नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीस टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 जो कि आपको पता है 17 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए यूनिट 1 का टेस्ट देखेंगे, ठीक है। और लगभग कोशिश करेंगे कि अपन 30 टेस्ट करवा लें। इन टेस्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, लगभग 1000 लोगों को फ़ायदा हुआ है। यदि आप लोग भी प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं और अभी तक आपको निकल नहीं पा रहा है किसी कारण से, तो आप इन टेस्टों के माध्यम से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं और मेंस देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। फिर मेंस दे करके इंटरव्यू तक पहुँचिए, इंटरव्यू दे करके बढ़िया सी पोस्ट उठाइए, ठीक है। तो चरणबद्ध प्रक्रिया है, तो सभी चरणों की अलग अलग रणनीति बनानी होती है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे अपन ने रणनीतियाँ डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे वो पुराने वीडियो तो देख लीजिए। नवीन वीडियो अगर डालने की देखेंगे, अगर समय मिलेगा रणनीति का 30 दिन का, तो अपन कोशिश करेंगे डाल देंगे उसको, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन यूनिट 1 देखेंगे एमपीएससी का। यदि आप लोग यहाँ पर नए हैं तो अपना चैनल का नाम है कीस टू सक्सेस एकेडमी, इसको आप सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का अपना जो पहला टेस्ट है वो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का है, ठीक है। EMGIC का टेस्ट पेपर है, देख सकते हैं आप लोग। अपना जो तरीका होता है वो ये होता है कि भाई अपन क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन देखने के बाद आपको थोड़ा सा 1-2 सेकंड का समय मिलेगा, उसमें आपको सोचना है कि राइट आंसर क्या है, उसके हिसाब से अपन राइट आंसर बताएंगे। अगर उसमें कुछ जानकारी है जो कि आपको बतानी चाहिए तो वो जानकारी भी आपको बता देंगे, ठीक है। और अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है इसको बढ़िया तरीके से लोगों तक पहुँचाएँ, अच्छे व्यूज़ दीजिए, अच्छे लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। अगर हमारा मनोबल बढ़ेगा तो आपको टेस्ट भी बकायदा टाइम पे मिल पाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि आज से शुरुआत कर रहे हैं तो रोज़ 2 वीडियो तो डाल दें, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, संघ भेद अभिलेख मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है। हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ नहीं चला सकते क्योंकि फिर फॉन्ट छोटा हो जाएगा, फिर आपको दिखेगा नहीं, है ना, इसलिए हिंदी में चलाएंगे, आपको बोलेंगे ताकि आपको सुनाई दे दे, ठीक। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देख लिया होगा आपने ऑप्शन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांची, ठीक है। ये किससे संबंधित है, सम्राट अशोक से संबंधित है, ठीक है। और सांची का नाम आप लोग को पता होगा, काकनाय भी बोला जाता है, ठीक है। सिंहासन 32 ही व बेताल 25 ही किस शासक से संबंधित है, पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ के नहीं बताएंगे, ऑप्शन आपको ही देखना है, राइट आंसर बोलते जाएंगे, क्योंकि इससे फिर वीडियो बढ़िया अपना नॉर्मल टाइमिंग का ही बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य, सम्राट विक्रम आदित्य, ठीक है। उज्जैन से संबंधित है, आपको पता है कि 58 ईसा पूर्व में इन्होंने कौन सा संवत चलाया था, विक्रम संवत चलाया था, ठीक है, सामान्य जानकारी देते चलेंगे। वाकाटक वंश जिसने 250 से 270 ईसा पूर्व तक विदिशा पर शासन किया, उसका संस्थापक था कौन था, भाई इसका संस्थापक पूछा गया है। राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति, ठीक है। रुद्र प्रताप बुंदेल, निम्नलिखित में से किसने बुंदेला वंश की नवीन राजधानी ओरछा की नींव रखी थी, पूछा गया। तो ओरछा की नवीन नींव किस बुंदेला वंश के सम्राट ने की थी, ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रुद्र प्रताप बुंदेला, मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। और अगर इसका ईयर पूछ लिया जाए तो ईयर आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1531। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से बुंदेला शासक ने मथुरा में केशव राय मंदिर का निर्माण कराया था, कौन है भाई वो। राइट आंसर हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और इनके द्वारा जो ओरछा में 2 मंदिर भी बनवाए गए थे, जिसमें लक्ष्मी मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, ये सब इनके द्वारा ही बनाए गए। ओरछा में 5 मंजिला जहांगीर महल भी इनके द्वारा ही बनवाया गया, ठीक है, वीर सिंह देव के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है कि भोपाल की किस बेगम ने मजली से शूरा का गठन किया था, भाई कौन है वो बेगम। राइट आंसर हो जाएगा इसका सुल्तान जहां बेगम, ठीक है, सुल्तान जहां बेगम। और ये कानून से संबंधित है, आपको बताया मजलिस से सूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 7 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन व उससे संबंधित नेतृत्व पर विचार करना है, ग्वालियर रीवा जबलपुर कटनी। तो यहां से संबंधित जो लोग हैं उनके बारे में बताना है कि भाई असत्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा असत्य, कटनी बापूजी अणे लिखा हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा। कटनी से किसने कहता है, पंडित गोविंद प्रसाद खगरिया, ठीक है, जी एस खगरिया। बाकी सभी सही है, मतलब ग्वालियर से बालकृष्ण शर्मा, रीवा से अवधेश प्रताप सिंह, जबलपुर से सेठ गोविंद दास, ठीक है।
और अगर बोला जाए कि बापूजी अणे ने कहाँ से किया था भाई, तो बापूजी अणे ने किया था बरार से। बरार आपने सुना होगा, सीपीएन बरार सुना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 अगस्त 1930 को कांग्रेस की प्रबंध समिति की बैठक में नमक सत्याग्रह के साथ साथ जंगल सत्याग्रह चलाने का प्रस्ताव किसने पेश किया था। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए भाई किसने किया था पेश। राइट आंसर हो जाएगा इसका द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक, आगे बढ़ेंगे। रीवा के गोविंदगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रघुराज सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और इसका ईयर वैसे शायद ही याद होगा आपको, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 1853, इसको इससे याद रख लीजिए कि 1857 की क्रांति के आपको जैसे 57 में हुई थी, तो 4 साल पहले 1853 में इसका निर्माण कराया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है पूछा गया है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा इसका मिहिर कुल से संबंधित है। ठीक है, और जो मिहिर कुल है वो कौन से वंश से संबंधित है पूछा जाएगा, तो ये हूण वंश हो जाएगा। ठीक है, और हूणों की राजधानी क्या थी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं है। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जल्दीबाजी में पढ़ते हैं और थोड़ा नर्वस होकर के पढ़ते हैं, तो ये जो नहीं टाइप के जो वर्ड होते हैं ना, ये देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रख के पढ़िए। जो गलतियाँ अभी टेस्ट में हो रही हैं वो आपको लिखते हुए चल रहे हैं, मिस्टेक डायरी में कि यार मैं टेस्ट देते समय ये गलतियाँ हो रही है, तो इसको अपने को सुधार के चलना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, परमारदेव। ठीक है, परमारदेव परमार वंश से संबंधित है, परमारदेव परमार वंश से संबंधित नहीं है। सीएक दीति है, भोज है और सिंधु राज है। ठीक है, और इसमें और भी नाम आ जाते हैं आपको, जैसे पता है उपेंद्र हो गए, जो कि इनके संस्थापक है, परमार वंश के संस्थापक कौन है, उपेंद्र। ठीक है, और बाकी वाक्यपति हो गया, वाक्यपति मूंज का भी आपने लोगों ने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस नाम है। ठीक है, और जो परमार वंश है इनकी राजधानी क्या थी भाई, उज्जैन थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और फिर बाद में जो राजा भोज के समय धार हो गई थी, आपको पता है इसके बारे में। और जो परमारदी देव है या परमार देव लिखा हुआ है, ये चंदेल वंश से संबंधित था, चंदेल वंश का। और चंदेल वंश का एक्चुअली ये आखिरी शासक था। ठीक है, तो चंदेल वंश का आखिरी शासक था, तो मतलब इसके ऊपर किसी ने विजय प्राप्त करके एक वंश की स्थापना की, या फिर किसी सल्तनत में मिला लिया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है कि परमारदी देव को जो अंतिम शासक चंदेल वंश का, उसको किसने हराया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि हुसैन शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है भाई, पूछा गया है। 12वां नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर बताओ इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए। ठीक है, तो भारत में संगमरमर से बनी पहली इमारत कौन सी है, हुसैन शाह का मकबरा, और इसको किसने बनवाया था। अगर पूछा जाए तो इसको हुसैन शाह ने ही बनवाया था। ठीक है, लेकिन अगर पूरा महमूद शाह ने करवाया था, तो पूरा किसने कराया था, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है। बस ये पूछेगा कि हुसैन शाह का मकबरा किससे संबंधित है। महाभारत में वर्णित कारुस देश का संबंध वर्तमान में किस जिले से संबंधित है। किससे संबंधित है, रीवा से संबंधित है। ठीक है, कारुस वंश का संस्थापक कौन है, अगर ऐसा पूछा है तो आपने सुना होगा राजा मनु है ना, मनु का नाम सुना होगा आपने, मनु का। ठीक है, तो उनके पुत्र थे, पुत्र का नाम ही क्या था, कारुस था। ठीक है, कारुस था, तो उनके नाम पे इसका पड़ा हुआ है। ठीक है, और उन्होंने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से कला कृतियों में किसका संबंध सोम काल से संबंधित है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, भरहुत, गरुड़, सांची, बाघ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सोम काल से पूछा गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब भरहुत, सांची और गरुड़ स्तंभ। ठीक है, तो ये तीनों का संबंध किससे है, अपना सोम वंश है। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी अगर आप लोग सुनना चाहें तो सुन लीजिए, कि जैसे भरहुत स्तंभ के बारे में पता कर लेते हैं कि भाई इसकी खोज तो अपनी सबसे पहले 1873 में हुई। ठीक है, और ये कहाँ पर है आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि सतना में है। ठीक है, और खोज किसने की थी, तो कनिंगम ने, कनिंगम आपने नाम सुना होगा। ठीक है, कनिंगम ने, और इसका निर्माण तो सुंगाल में हो गया। अब बात कर लेते हैं सांची के बारे में, तो सांची का आपको पता है कि भाई रायसेन में है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, सोमकाल से संबंधित। बाकी गरुड़ स्तंभ देख जो है अपना हेलिया डोरस नाम सुना होगा आपने, हेलिया डोरस। ठीक है, ये नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, भागवत धर्म से संबंधित। ठीक है, भागवत के समय इसका निर्माण हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा जानकारी लेंगे तो फिर वीडियो बड़ा बनेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी, 1 घंटे से पहले पहले ख़त्म करना पड़ेगा। प्रसिद्ध हूण शासक तुर्मान ने कौन सी उपाधि धारण की थी, पूछा गया। 15 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा इसका, महाराज की उपाधि धारण की थी, और तुर्मान ने अपना मालवा के ऊपर आधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मालवा के ऊपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एमपी हिस्ट्री से संबंधित है, और ये समय पूछा जाए तो 500 ईसा। ठीक है, और
इसमें एक चीज़ ये निकल के आती है कि तोरमान का जो पुत्र था वो भी बहुत फेमस है, जैसे कि मिहिरकुल जो नाम है ना, मिहिरकुल वो तोरमान का पुत्र था, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कई बार पूछा भी जा चुका है ना कि इसका पुत्र कौन है जो फेमस, जैसे जैसे बलबन का पूछ चुके हैं ऑलरेडी कि बलबन का पुत्र कौन था, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि पंजाब मिल हत्याकांड मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ भाई, राइट आंसर हो जाएगा इसका खंडवा रेलवे स्टेशन में, 1931 में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और दो तीन नाम आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जैसे यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी और दलपत राव, ठीक है। मध्य प्रदेश के हीरापुर के राजा हृदय शाह किस विद्रोह के नेता थे पूछा गया है, तो किस विद्रोह के नेता थे ये, बुंदेला विद्रोह के, ठीक है। और बुंदेला विद्रोह कब हुआ आपको पता होना चाहिए, 1842 में, ठीक है, हीरापुर के हृदय शाह। तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी रिवीजन भी हो जाएगा अपना, ठीक है। तो आपकी तरफ से सही रिस्पांस मिलता है, और अगर व्यूज़ तरीके से जितने आने चाहिए कम से कम हर एक वीडियो पे उतने आते हैं, तो फिर इसको अपन कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू करके जल्दी जल्दी 30 टेस्ट करवाएं आप लोग के लिए। अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर आप भी बताइए कि हमें क्यों, हम आपको समय, मतलब ये टेस्ट सीरीज चलाने का मतलब ही क्या है, ठीक है। निम्न खोजकर्ता एवं संबंधित स्थल में अंतर असंबंधित है, कौन सा असंबंधित है बताना है इसमें से, चार ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कौन सा असंबंधित है, ये हो जाएगा अपना आर बी जोशी, जो कि सांची से बोल रहा है। तो बाकी सभी सही है, जैसे विष्णुधर वाकनकर भीमबेटिका, ठीक है, एच डी सांकलिया नौतटोली, और एच बी त्रिवेदी आवरा। और अगर बोला जाए कि सांची से कौन संबंधित है भाई, तो ये भी बता दीजिए, तो ये आपको पता है जनरल टेलर, ठीक है, टेलर, ठीक है, जनरल टेलर। आगे बढ़ते, प्रेम और वीरा में पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है पूछा गया है, ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी, ठीक है, बाघ की गुफा। बाघ की गुफा आपको पता है कि 1818 में इसकी खोज की डेंजरफील्ड ने, ठीक। बड़ा शिमला नामक एक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, बड़ा शिमला, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जबलपुर में है। जबलपुर से जो लोग हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर हमने देखी है, बहुत अच्छी जगह है, आप लोग भी आइएगा घूमने, ठीक है। बाकी जो जबलपुर जाए तो ज़रूर घूमने जाए, अब जबलपुर के लोग आपको बता देंगे उसका रूट, और नहीं बता पाए तो फिर आपको तो गूगल मैप आपके पास है ही। अच्युतगामी क्या है पूछा है, 21 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा भाई एक नगर है, ठीक है, बौद्ध साहित्य से संबंधित नगर है, और इसका जो अभी वर्तमान में नाम है इसको उज्जैन के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता है, ठीक है। महाकाल मंदिर यहाँ पर स्थित है, ये भी आपको पता ही है। आगे बढ़ते, किस राजा के काल में ग्वालियर किले की दीवारों पर जैन प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई पूछा गया, तो कौन से कहाँ पर है भाई, ए डूंगर सिंह, ठीक है, डूंगर सिंह ने के समय हुआ ये, ठीक। और इसमें एक दो जानकारी जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि भाई डूंगर सिंह आपने नया नाम हो सकता है आपने सुना हो, तो ये कौन से वंश से संबंधित है पूछा जाए, तो तोमर वंश से संबंधित, ठीक है। और तोमर वंश की स्थापना कहाँ पर हुई थी ये पूछा जाए, तो ये कौन से शहर से संबंधित थी, ये ग्वालियर से संबंधित है, ठीक है। तो वीर सिंह देव ने तोमर वंश की स्थापना कहाँ पर की भाई, ग्वालियर में की थी, और ठीक है, इतना काफ़ी आपके। तो इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों ही इसमें शामिल थे, ठीक है, इसमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब धनवंतरी कलिदास और बेतल भट्ट, बाकी इसके नवरत्न थे, नवरत्नों के आपको नाम पता होना चाहिए, एक दफ़ा बोल के बता देता हूँ ताकि आपको शायद याद रहे। छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, कालिदास, घटकर पर, वरु रुचि, वरामेर और धनवंतरी, ये कुछ नाम है जो आपको याद होना चाहिए, मतलब पूरे ही नाम याद होना चाहिए आपको वैसा। राइट आंसर इसके बाद देख लेते हैं कि भाई 24 नंबर क्वेश्चन है कि पवाया प्राचीन नाम क्या था, पवाया का प्राचीन नाम पूछा गया है, तो आपको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मावती, ठीक है। और ये नागवंश से संबंधित है, ये आपको बताना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली दरवाजे कहाँ और किस नगर में स्थित है पूछा गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना अशोकनगर, जिसमें चंदेरी किला में ही दिल्ली दरवाजा है, ठीक है। तो चंदेरी आपको पता है अशोकनगर में, और ये कब किसके समय बना, तो ये होसंग शाह के समय में बना हुआ। तुंडीकेर इनमें से किस क्षेत्र का जनपद था, तुंडीकेर, राइट आंसर हो जाएगा इसका दमोह का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई मध्य प्रदेश में प्राप्त आहत मुद्राएं निम्न में से किन धातुओं से निर्मित होती थी, 27, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, चांदी और तांबे से मिलकर बनी होती है आहत मुद्रा। बेशनगर स्थित गरुड़ स्तंभ निम्न में से किस धर्म से संबंधित है पूछा गया है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, और उसके हिसाब से आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि वैष्णव धर्म से संबंधित है, आपको पता है हेलियाडोरस ने बनवाया था, भागवत धर्म मतलब वैष्णव धर्म एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की मुद्राएं मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई पूछा गया है,
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा भाई बी हो जाएगा, भेड़ाघाट त्रिपुरी क्षेत्र से प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा मध्य प्रदेश में कसाई खाना आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका गोवध के विरोध में किया गया था। ठीक है, सामान्य जानकारी में इसमें ईयर बता देते हैं क्योंकि ईयर आपको पता होना चाहिए, 1920 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुबोध सिंधु तथा भारत जबलपुर टाइम्स समाचार पत्रों का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किन जिलों से होता था पूछा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन कौन से पत्र बोल रहे हैं इन लोगों ने? सुबोध सिंधु बोला और एक जबलपुर टाइम्स समाचार पत्रों का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किन जिलों से होता था पूछा गया। 31 का राइट आंसर हो जाएगा इसका खंडवा और जबलपुर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें नमक कानून के उल्लंघन हेतु मध्य प्रांत के किस शहर में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, जबलपुर से। ठीक है, जबलपुर में सेठ गोविंदास और द्वारका प्रसाद मिश्रा आपको पता है इन दोनों के नेतृत्व में ये हो जाएगा अपने 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट डेट है। वर्ष 1985 में गठित कांग्रेस समिति में मध्य भारत से किसे शामिल किया गया था? 33 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा गंगाधर चिटनीस। ठीक है, तो इसमें और भी लोग थे वैसे, ऐसा नहीं है जैसे अपने बापूराव आपने सुना होगा, बापूराव दादा किनखड़े, गंगाधर चिटनीस तो आपको यहाँ पे मिल ही गए, गोपाल हरि भिंडे, ठीक है, गोपाल हरि भिड़े, अब्दुल अजीज, ये सब कुछ नाम है जो कि इससे संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद की 34 नंबर क्वेश्चन है कि होलकर नरेश तुकोजीराव द्वितीय द्वारा निम्न में से किन समाचार पत्रों का पुनः प्रकाशन कार्य प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा मालवा अखबार और मल्हारी मारदंड विजय। ठीक, और ईयर याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ईयर याद रहना भी नहीं है आपको इसका। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो राइट आंसर देख लो भाई इसका। राइट आंसर हो जाएगा डी आर ग्वालियर अभिलेख रामगुप्त से बोला जा रहा है कि जो कि गलत है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है पूछा जाएगा, तो आपको पता है हूण शासक मिहिरकुल, जो अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी इसकी। ठीक है, मिहिरकुल, और आपको इसकी राजधानी बताना है हूण वंश की आपको कमेंट में। ठीक है, ये भूलना नहीं है। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, इसका चयन करना है भाई, कर लो इसका असत्य कथन का चयन। ये हो जाएगा अपना अंतिम कच्छप घात वंशी शासक वज्रदामन था ये, जो कि इसका गलत बोला जा रहा है। ठीक है, तो अभी कच्छप घात वंश जो है इसका शासक कौन था भाई और कौन से क्षेत्र से संबंधित है? देखो ग्वालियर शाखा है ये तो ठीक है, लेकिन जो वज्रदामन था ना वो एक्चुअली इसका संस्थापक था, ना कि अंतिम शासक था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी जानकारी तो आपको सही लिखी गई है यहाँ पर। ठीक, जैसे कि मोहम्मद गोरी को ग्वालियर शाखा के शासक सोलंक पाल ने हराया। ठीक है, कच्छपघात शासक चंदेलो के सामंत थे, ये भी ठीक है। कच्छपघात शासक अजयदेव की मुद्राएं तोमेन से प्राप्त हुई है। ठीक है, और अगर इसका अंतिम शासक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? रत्नपाल हो जाएगा। ठीक है, रत्नपाल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें कि चालुक्य वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र तक था पूछा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण मध्य प्रदेश में, आपको इसके बारे में जो सामान्य जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और पता होनी चाहिए। ठीक है, और चालुक्य वंशी जो पुलकेशन द्वितीय ने उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय बहुत फेमस शासक रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मध्य प्रांत और मालवा क्षेत्र में गणेश उत्सव शिवाजी उत्सव के आयोजन का फैसला किया गया था भाई, कौन सा अधिवेशन है वो? 38 राइट आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1891, और इसकी अध्यक्षता किसने की आपको पता है? पी आनंद चार्लू ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो कथन है। पहला कथन ये बोल रहा है कि सातवाहन शासक सिमोक के प्रपोत्र सातकर्णी प्रथम ने मध्य प्रदेश के पूर्वी मालव क्षेत्र को जीता। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि सातवाहन वंश मध्य प्रदेश के विदिशा के कर्ण वंश के पश्चात स्थापित हुआ। तो इसमें तो आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पर हर एक वंश का कौन, मतलब खासकर जो संस्थापक है और ये कितने वंशों तक शासन रहा, कितने वर्षों तक शासन रहा इन वंश का, इसके बारे में पता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो ए, मतलब ना तो एक ना तो दो। ठीक, जिसके बारे में जानकारी जो ये है कि भाई सातवाहन शासक जो सिमुक था ना, उसने जो है किसको हराया था? उसने कण्ववंश, आपको पता है कण्ववंश के ऊपर सातवाहन वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो कण्ववंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था सुशर्मा था। ठीक है, इसको हराया, और अगर ईयर पूछ लिया जाए तो 605 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व में इसके ऊपर आधिपत्य किया। और क्या है इसमें? और ये भी है कि जो सिमुक है, सिमुक का प्रपोत्र कौन है? वो है अपना सातकर्णी प्रथम। ठीक है, सातकर्णी प्रथम,
और इसने शासन कहाँ कहाँ किया पूछा गया, तो भाई इसने पूर्वी मालवा में किया, ठीक है, ईस्ट मालवा में किया, वेस्ट मालवा में किया और अनूप के क्षेत्र, अनूप क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर इसने शासन किया। और अगर सातवाहनों की राजधानी अगर बोली जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगी, विदिशा में, ठीक है, मध्य प्रदेश में सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी भाई, विदिशा में थी। बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा अगर कुछ जानकारी हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कोई डाउट वाउट होता है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये डाउट लग रहा है या फिर यहाँ पर ये जानकारी हो सकती है, ठीक है। गांधी जी के मध्य प्रदेश के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में जंगल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, पूछा गया, तो किसके द्वारा किया गया था, ये सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा गुंजन सिंह कोरकू, 1930 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। असहयोग आंदोलन ये अपना जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था जंगल सत्याग्रह उसके समय की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पहला है कि ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंशी शासक कीर्तिवर्मन से संबंधित है, पूछा गया है। दूसरा बोला है कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को चालुक्य वंशी शासक पुलकेसिन द्वितीय ने जीता। तो जब हम पेपर लगा रहे हैं तो हम लोग पेंसिल लेके जाएंगे, पेंसिल लेकर जाएंगे और ऐसे अंडरलाइन करते हुए ही अपन उसको पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन को। इससे क्या होगा कि जो हाईलाइटेड जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो पढ़ना है, जो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। पेंसिल का यूज़ करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आपने अभी तक देख लिया होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। तो इसके बारे में जानकारी ये है कि भाई ऐहोल अभिलेख जो है चालुक्य वंशी शासक किसका है, वो ये हो जाएगा पुलकेसिन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। और जो पुलकेसिन द्वितीय है इसने किसके ऊपर विजय प्राप्त की थी, हर्षवर्धन के ऊपर, आपको बताया। और पुलकेसिन द्वितीय के ऊपर किसने विजय प्राप्त की थी, जिसने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी, ये आपको बताना है कमेंट करके। जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उतना अच्छा है आप लोग के लिए, अगर बताएंगे तो अच्छी बात है और नहीं बताएंगे तो एटलीस्ट जा करके जो भी बुक है वो उसमें जा करके पढ़ लेना अगर नहीं बताया तो, ठीक है। मालवा क्षेत्र पर चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने जीत प्राप्त की थी, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और विक्रमादित्य द्वितीय जो था उसने कौन सी उपाधि धारण की थी, आपको पता होना चाहिए, शकलोत्तर पथनाद की उपाधि धारण की थी, ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय ने, चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है। तो ये मालवा पर इसने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट है हरदोल का चबूतरा मध्य प्रदेश में कहाँ निर्मित है या स्थित है, पूछा गया है। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ए, ओरछा में, ठीक है, ओरछा में, ठीक है, हरदोल का चबूतरा। और यहाँ पे आपको पता है कि हरदोल की मनौती भी बनाई जाती है जो कि इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फिर से कि भाई बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि शकों पर विजय के पश्चात विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत चलाया गया, ठीक। शक्स वंश के अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी, ये बोल रहा है। दो क्वेश्चन बोल रहा है और उसमें आपको सही गलत बताना है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा कि भाई केवल एक सही है दूसरा गलत है। पहला बोल रहा है कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया 58 ईसा पूर्व में, ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा जानकारी पहले से पढ़ते रहेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। ये पहला तो क्वेश्चन सही हो गया, ठीक। और फिर क्या बोल रहा है, शक वंश के अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हत्या की, जो कि गलत है क्वेश्चन, ठीक है, गलत बताया जा रहा है जानकारी जो भी। मध्य प्रदेश में हूनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, पूछा गया है। तो ये ऑलरेडी मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, आपको कितना याद है उस हिसाब से आप लोग बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना गुप्त काल के समय, ठीक है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना गुप्त काल। और हूण जो शासक थे उसमें दो चार नाम फेमस है, उनके बारे में सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पहला बोल रहा है कि दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर को राजधानी बनाया। दूसरा बोल रहा है कि हैदराबाद के निजाम के द्वारा दोस्त मोहम्मद खान से आत्मसमर्पण कराया गया था। दो क्वेश्चन दिए गए और दोनों का आपको बताना है इसमें कि सही गलत क्या है। तो इसमें बोल रहा है कि भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो दो। तो दोस्त मोहम्मद खान जो कि आपको बताया भोपाल के शासक थे, नवाब वंश जो था मतलब उसका संस्थापक था। तो इसने तो जगदीशपुर को जीत लिया लेकिन राजधानी तो इसी को बनाया, लेकिन इसका नाम परिवर्तित करके बनाया, जैसे कि इसका नाम बदल दिया था, इस्लाम नगर कर दिया था। इस्लाम नगर आपको पता है, सभी को पता होना चाहिए जानकारी। तो नाम परिवर्तन करने की प्रथा जो है मुस्लिम शासन के दौरान ही चालू की गई थी, जो मतलब बहुत सारे जो शहर थे उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया। और फिर अभी जो वर्तमान में सरकार कर रही है कि उनका नाम पुनः परिवर्तित कर रही है, मतलब जो पहले नाम था तो वो उसको रख रही है। तो इसमें ये नहीं बोल सकते कि अभी जो वर्तमान में जो शहर है उसका नाम परिवर्तित नहीं किया जा रहा है, एक्चुअली जो पूर्व नाम थे वही रखे जा रहे हैं।
तो ऐसा अगर आपसे कहीं कुछ पूछा है तो उसमें आप सामान्य जानकारी बता सकते हैं। ठीक है, आगे ये है कि भाई 1723 को निज़ाम ने इस्लाम नगर के किले का घेरा डाला था, आपको ये पता होना चाहिए 1723 में। ठीक है, तो दोस्तों मोहम्मद खान ने फिर इसमें आपको समर्पण कर दिया था। और बाकी फिर इसके अलावा इसमें जानकारी इतनी ही काम की है। ठीक है, दोस्तों मोहम्मद खान भोपाल का जो रियासत थी उसका संस्थापक था, ये आपको पता होना चाहिए। रानी कमलावती, आपको इसके बारे में रानी कमलावती के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इनके द्वारा ही ये क्षेत्र के ऊपर शासन जो क्षेत्र दिया गया था वो रानी कमलावती के द्वारा ही दिया था दोस्तों मोहम्मद खान को, जो कि अफगान वंशी था। ठीक है, अफगान वंशी है वो, ना कि मुगल जो एम्पायर है उससे संबंधित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में मध्य प्रदेश के निम्न में से किन दो नदियों का वर्णन किया गया, पूछा गया, तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका विप्रनास और केनास, मेगास्थनीज की इंडिका में प्रनास और केनास। ठीक है, जो कि गंगा नदी से मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए प्रनास और केनास। नेक्स्ट है इसके बाद किस आंदोलन का नेतृत्व प्रभाकर डूंडीराज ने किया था, पूछा गया, तो राइट आंसर आप लोग देख लीजिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 47 का बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, जो कि इसका ईयर क्या है 1920। ठीक है, तो प्रभाकर डूंडीराज बहुत फेमस नाम है और इसके बारे में आपको 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा अच्छे से। चरण पादुका कांड के बारे में बात की जाए, समय कितना हो गया, 27 मिनट हो गया, इसको अपन थोड़ा सा जल्दी से समाप्त करते हैं। चरण पादुका कांड में किसने स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलवाई थी, पूछा गया, राइट आंसर हो जाएगा इसका कर्नल फिशर ने। और चरण पादुका कांड 14 जनवरी 1931 को हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था आपको कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं बताना है तो फिर छतरपुर बता देते हैं यहीं पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, जीत महल व जीत स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, राइट आंसर हो जाएगा वीर सिंह देव तोमर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई 50 नंबर का क्वेश्चन है कि 1858 में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए किस स्थान पर अपना बलिदान दिया था, 50 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी बालपुरा। ठीक है, 1857 की क्रांति में, और ये रामगढ़ से संबंधित आपको पता है, रामगढ़ की अवंतीबाई, ये आपको पता होना चाहिए। और युद्ध किससे हुआ था, ये वार्डन से हुआ था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और रामगढ़ की लक्ष्मीबाई बोला जाता है इनको, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो इनकी समाधि है वो बालपुरा, और बालपुरा किस जिले में है, ये अगर पूछ लिया जाए तो फिर क्या करोगे, डिंडोरी में। ठीक है, ये इतनी जानकारी आपको निकल के आती है। और अगर जानकारी अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करके जाया करो, कमेंट करके जाओ, ठीक है, कुछ तो करके जाओ, तभी तो हमको अच्छा लगेगा। इतने अगर आपके लिए इतना काम किया जाए तो आप लोगों से इतना काम हो जाना चाहिए बिन कहे। मध्य प्रदेश का ताम्रकालीन स्थान खेड़ी नामक किस जिले में स्थित है, पूछा गया है, 51 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा होशंगाबाद। तो भाई ताम्रकालीन स्थान जितने भी है ना मध्य प्रदेश में, सबकी लिस्ट बनाओ, सबके जिले लिखो, इतना जो करेगा उसी को फायदा होगा। जैसे कि 2-4 नाम अभी मैं बोल के बता देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा नहीं, सुनते जाओ। जैसे कायथा है उज्जैन का, ठीक है, खेड़ी नामा होशंगाबाद हो गया, नावदा टोली खरगोन, डोंग वाला उज्जैन, नागदा उज्जैन, आवरा मंदसौर, बेशनगर विदिशा, और एरन आपने सागर सुना हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है, 4 ऑप्शन दे रहा है, इसमें से असत्य कथन कौन सा है, 52 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा इसका भरूत स्तूप छतरपुर जिले में बोल रहा है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले तो जानकारी दी थी, कहाँ था भाई, सतना में था। ठीक, नेक्स्ट है कि शेख रमजान का संबंध पूछा जा रहा है कि कहाँ से संबंधित है शेख रमजान, तो भाई ये कहाँ से संबंधित है, ये हो जाएगा इजी क्वेश्चन है, सागर से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी तो ज़्यादा नहीं है, यही है कि भाई 1857 की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, किस कल्चुरी शासक को उज्जैनी भुजंग कहा गया, पूछा है, उज्जैनी भुजंग थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन हो सकता है आपको लगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी युवराज देव। तो अगर कोई भी जानकारी आपको ऐसी लगती है कि यूनिक है तो आपको जो भी आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ जाकर लिख लो, क्योंकि यहाँ आप टेस्ट लगाओगे ना फिर दूसरा वीडियो देखोगे नहीं, हर एक टेस्ट को 2 बार भी देखोगे तो आपको कंटस्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो 2 बार वीडियो देखोगे तो फिर अपना लिख लो, अगर लिख भी लेते हो 2 बार वीडियो भी देख लेते हो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, वो हमेशा याद हो जाएगा। उज्जैनी भुजंग, और इसको मालवा विजेता भी बोला जाता है। ठीक है, मालवा विजेता भी बोला जाता है, याद रखिएगा मालवा विजेता। ठीक, और ये दोनों जो उपाधि है वो किसने दी, इसको अगर ऐसा पूछ लिया तो फेमस पर्सनालिटी इसलिए बताते रहो, एक्चुअली ये राजशेखर के द्वारा दी गई थी, राजशेखर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बोल जाता है, नाटककार है। साक्षी अभिलेख के बारे में पूछा जा रहा है किससे संबंधित है भाई, पूछा गया,
तो 55 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो राइट आंसर इसका हो जाएगा वशिष्क। ठीक है, वशिष्क से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि इंदौर में स्थित होलकर महल का निर्माण किसने करवाया था। थोड़ा सा स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा मल्लारा होलकर। ठीक है, होलकर महल इंदौर में। ठीक है, राजवाड़ा का निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया गया था, आपको पता होना चाहिए। और जो राजवाड़ा है उसी को होलकर महल भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें कि मनोटी और मोड़ी पुरातत्व स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, और नहीं भी बने तो कोई बात ही नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंदसौर में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद कि प्रागैतिहासिक कालीन स्थल डोंगवाला कहाँ स्थित है। डोंगवाला अभी बता दिया ना थोड़ी देर पहले, तो यही तो फायदा है आपको लिस्ट बनाने का बोला था, तो ऐसा फायदा हो जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधी वंश का शासन मिलता है, पूछा है बोधी वंश, बोधी। ठीक है, 59 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरी और तेवर से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई किस वंश के शासकों ने महाकुमार की उपाधि धारण की थी। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा परमार वंश में महाकुमार की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और ये जानकारी उज्जैन का जो ताम्रपत्र है उससे मिलती है। परिजात पंजरी उदयपुर प्रशस्ति से किस परमार शासक के विषय में जानकारी मिलती है, पूछा गया है। 61 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा राजा भोज के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है, पूछा गया है। 62 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, इसका अभी तक आप लोगों ने लगा लिया होगा और सही लगाया होगा कॉमन सेंस के आधार पर, छतरपुर में। ठीक, और छतरपुर के दुबेला में, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा अंदर की जानकारी पूछ सकता है। और यहाँ पर अगर जैसे मान लो छतरपुर लिखा है उसने, और यहाँ पर निवाड़ी की जगह दुबेला लिखा होता तो क्या करते आप लोग बताओ। तो ये दुबेला ही लगाना है, ऐसा नहीं कि छतरपुर लगाना है, ये ऐसा बहुत बार कर चुका है पीएससी। ठीक है, स्पेसिफिक अगर लोकेशन दी तो स्पेसिफिक लोकेशन पर यही जाएंगे हम लोग। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा। 63 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़। आदमगढ़ होशंगाबाद में मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मध्य पाषाणकालीन स्थल के यहाँ पर औजार मिले, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक फैक्ट्री बोला जाता है। माइक्रोलिथिक का मतलब ही यही है कि मध्य पाषाण काल के जो बहुत सारे अपने को मतलब उपकरण इस टाइप की चीज़ें मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मांडू में स्थित हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए आप, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना डी। ठीक है, यासुद्दीन खिलजी। यहाँ पर कुछ फेमस आपको पता है कि स्थापत्य है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये एक चीज़ तो देख ली कि हिंडोला महल आपको पता है कि यासुद्दीन खिलजी ने बनवाया। दिलावर गौरी ने क्या बनाया था भाई, ये बनाया था इसने लाट मस्जिद, लाट मस्जिद बनाई इसने। ठीक है, दिलावर ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसकी बाज बहादुर ने क्या बनवाया भाई। बाज बहादुर ने बनवाया रेवा कुंड, आपने सुना हो रेवा कुंड, और रानी रूपमती महल इसने बनवाया था। ठीक है, यासुद्दीन खिलजी के बारे में बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा जहाज महल, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, ये इसने बनवाया। और नासिर शाह ने क्या बनवाया, नासिर शाह ने बनवाया अपना कलिया देह प्लेस, कलिया देह प्लेस। ठीक है, पैलेस बहुत इंपॉर्टेंट है कलिया देह, चारों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुन लो अच्छे से। दिलावर खां गोरी ने क्या बनाया भाई, डाट मस्जिद। नासिर शाह ने बनाया कलिया देह पैलेस। बाज बहादुर ने बनाया रेवा कुंडा रूपमती महल। ग्यासुद्दीन खिलजी ने बनाया जहाज महल, हिंडोला महल, चंपा पावड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 65 पुरातत्विक स्थल बिलावली मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बी, दतिया। ठीक, और सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, देवास। ठीक है, 65 का बी राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवास। और ये अपना काली सिंध नदी के ऊपर स्थित है, ये आपको याद रखना। किस जिले की दीवारों पर बिहारी सतसई के दोहरे उत्कीर्ण पूछा गया। किस जिले की, किस किले की दीवारों पर। ठीक है, कौन सा किला है वो, दतिया का किला, जिसकी दीवारों पर बिहारी सतसई के दोहे मिलते हैं आपको। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया, 1664 याद रखना, 1664 में निर्माण कराया इसका वीर सिंह ने, वीर सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसके द्वार पर एक फेमस उक्ति भी लिखी गई है, ये आपको याद रखना चाहिए। वो जो लाइन है वो क्या है, जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन। क्या, जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन। ठीक, और राजपूत मुगल शैली से मिश्रित श्रेणी से ये शैली से बना हुआ। ठीक है,
अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान टंट्या भील का साथ पश्चिमी निमाड़ में किसने दिया था, पूछा है 67 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा बिजानिया और डोपिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि 68 नंबर का क्वेश्चन है। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मकुंड किस महल में स्थित है, पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा इसका कलीदेह महल। और कलीदेह महल अभी आपको बताया है, ये अपना उज्जैन में हो जाएगा, छिपरा नदी के किनारे। सोहावल का जो नरसंहार हुआ था, ठीक है, वो किस वर्ष हुआ पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 1938 में। ठीक है, 1938 में सोहावल नरसंहार हुआ, जो कि माजन गोली कांड के नाम से भी जाना था, माजन। ठीक, और जिला सतना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि अपना फरजंद अली ने किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, पूछा गया है। 70 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा इसका पन्ना। ठीक है, 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय राजा बख्तावर सिंह ने किस क्षेत्र के से नेतृत्व किया, कौन सा क्षेत्र भाई वो। 71 नंबर क्वेश्चन है अमझेरा धार। ठीक है, अमझेरा रियासत आपने सुना ही होगा नाम, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसने हचिनसन और अपना कर्नल ड्यूरांट से युद्ध लड़ा था, आपको ये इतना जो थोड़ा सी जानकारी पता होना चाहिए। और विजय राघवड़ से किसने किया था, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठाकुर सरजू प्रसाद। ठीक है, ठाकुर सरजू प्रसाद अमझेरा से, अपना बख्तावर सिंह हो गया। सागर से बखतबली, आपने सुना है बख्तबली, जो बोलना है बोल लीजिए। और मनेखरी रियासत से ठाकुर रणमत सिंह। ठीक है, ठाकुर रणमत सिंह मनेखरनी रियासत। आगे बढ़ते हैं इसमें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया। ठीक है, तो इसमें देख लो भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं, फिर इसका राइट आंसर बता देते हैं। लगा दिया होगा आपने अभी तक तुक्का, लगाया तो डी तुक्का किसका किसका सही हुआ। तो ये घुनघुटी जंगल सत्याग्रह जो पन्ना से बोला जा रहा है, वो पन्ना से नहीं है, ये 1930 में हुआ था भाई, और उमरिया से संबंधित है, उमरिया। ठीक है, बाकी सभी सही है, आपको घोड़ोंगरी बैतूल मिल जाएगा, टूरिया सिवनी और ओरछा निवाड़ी में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अब बात यह कि क्या इनके आपको नेतृत्वकर्ता का नाम याद है, तो अभी थोड़ी देर पहले अपने गुंजन सिंह कुरकू के बारे में बात की थी ना, जो ये बैतूल से हो जाएगा। ठीक है, सिवनी के बारे में बात करेंगे तो कौन आएगा, दुर्गा शंकर मेहता, इसका नाम भी सुना ही होगा आपने। और फिर अपना निवाड़ी रह जाता तो निवाड़ी से कौन हो जाएगा, लाला राम वाजपेयी लाला। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं वो लोग के लिए बहुत फायदेमंद है ये सीरीज। चैन सिंह का विद्रोह किस वर्ष से हुआ था, पूछा गया चैन सिंह, राइट आंसर हो जाएगा 1824, नरसिंहगढ़ रियासत। ठीक है, उससे संबंधित है चैन सिंह का विद्रोह। ठीक है, और ये जो चैन सिंह है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, और इसको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे बोलते हैं, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। ठीक है, प्रथम शहीद है मध्य प्रदेश का, ये याद रखना चैन सिंह। 52 गणाधिपति की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई थी, पूछा गया, तो राइट आंसर आपको सभी को पता, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, संग्राम सहा। ठीक है, आपने जो मेंस के हिसाब से तो पढ़ा ही होगा, और जो लोग मेंस के हिसाब से पढ़ रहे, देखिए अभी तो आपको ये सबसे बड़ी दुविधा है कि भाई 17 दिसंबर से प्रीलिम्स भी है और आपको दिसंबर में ही 30 दिसंबर को मेंस भी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ साथ में कैसे लेके चलोगे, तो देखो भाई प्रीलिम्स का भी पढ़ो मेंस का भी पढ़ो, दोनों चीज़ साथ चलाओ, जिसका सिर्फ प्री है उसको फ़ायदा, जिसका सिर्फ मेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि प्री तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो जिसका मेंस नहीं है उसको फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान भी है, तो आपको इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब सेशन अलग अलग बनाओ, जैसे 8 घंटा पढ़ो तो 2-3 घंटा प्री को दो, बाकी के घंटे अपने को मेंस को देना, अपने अपने हिसाब से चलाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, अपना 74 हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भाई सुमिलित करना है वंशों को, ओलिकर वंश, तोमर वंश, कारुस वंश और परिवाजक वंश। ठीक है, कर लो इसको, कौन सा क्षेत्र संबंधित है पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या क्या हो जाएगा, जो ओलिकर वंश है, ओलिकर वंश किससे हो जाएगा अपना, दसपुर से, तोमर हो जाएगा अपना ग्वालियर से, कारुस हो जाएगा बघेलखंड से, और परिवारजक वंश हो जाएगा बुंदेलखंड से। ठीक है, इसमें और भी MP में इम्पोर्टेंट वंश है, जैसे कातर्म के, बोधी, मग, सेल, पांडे, कच्छप झक, कच्छप घात, ये सब ऑलरेडी अपन थोड़ा सा देख चुके हैं, आपको पता है कच्छप घात अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा ग्वालियर, है ना, कातर्म का अपने उज्जैन पढ़ लिया, बोधी जबलपुर के त्रिपुरी से सब पढ़ा था, माघवंश जो है अपना बघेलखंड से पढ़ा, सेल वंश महाकौशल, पांडे वंश मेकाल पर्वत अमरकंटे से पढ़ा।
तो मध्य प्रदेश के जो वंश हैं ना उसकी लिस्ट बनाओ, उसके अपने संस्थापक लिखो, उसका क्षेत्र लिख लो, इतना लिख लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन था किस वंश का शासक था, पूछा गया 76 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका मालवा का गोरी वंश से संबंधित था। और इसके दो फेमस जो पर्सनैलिटी है वो ये है कि दिलावर खां गोरी और एक अपना होशंग शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस क्रांतिकारी ने भारतीय जवानों को संबोधित करते हुए कहा, तैयार हो जाओ आगे बढ़ो और अंग्रेजों को मार डालो, ये महाराजा का हुक्म है। ये कौन ने बोला भाई? तो ये बोला है अपने सआदत खान है। ठीक है, महू छावनी से संबंधित है और उसी से इसने नेतृत्व किया। ठीक है, और इसकी जो समाधि है कौन बताएगा? जो MPPSC गया होगा उसको पता होगा कि भाई MPPSC के सामने है इसकी समाधि। ठीक है, 78 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है, पूछा गया ताम्र पाषाण काल स्थल और वर्तमान स्थिति पूछी गई है। अब भी थोड़ी देर पहले बोला हूँ कि लिस्ट बना लेना, फिर से आ गया क्वेश्चन, तो लिस्ट बना लेना जिसका जिसका बोला है। ठीक है, इग्नोर करोगे तो फिर अगले साल के लिए तैयार रहना प्रीलिम्स देने के लिए। ठीक है, आवरा, आज़ादनगर, भेलसा और एरन, तो ये लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताई है तो आपको याद भी होना चाहिए। तो कौन सा सही सुमिलित है पूछा गया, एक और दो, आवरा मंदसौर और अपना दो हो जाएगा क्या, आज़ादनगर इंदौर में। ठीक है, बाकी आपको बताए एरन अपना सागर में है। ठीक है, भेलसा विदिशा में हो जाएगा, इंद्रगढ़ एक फेमस है जो इंद्रगढ़ भी आपने नाम सुना होगा मंदसौर में, नावदा टोली आपको बता चुका अभी थोड़ी देर पहले, महेश्वर खरगोन में है। ठीक है, भेलसा विदिशा तो आपको पता ही है, आज़ादनगर इंदौर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए भाई। कायथा भी एक फेमस जगह है, कायथा VS वाकड़कर संबंधित है उनसे, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कायथा। ठीक है, नेक्स्ट है कि फारूकी राजवंश का संस्थापक कौन था, पूछा गया है, इसका राइट आंसर इजी है, मलिक रजा हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फारूकी राजवंश। खानदेश आपने नाम सुना ही होगा, खानदेश नाम सुना है कि नहीं, अरे अपना सिरगढ़ के पास, 1388 में इसने स्थापना की, 1388 में। ठीक है, 1388 में। ठीक है, इस समय असीरगढ़ का राजा कौन था भाई, राजा अहिर का शासन। ठीक है, और उसके ऊपर जो मलिक राजा है उसका स्वामित्व इसने स्वीकार कर लिया था अहिर ने। ठीक है, और अपना वीरसेन साव का अभिलेख किस गुफा में स्थित है, पूछा है वीरसेन साव का अभिलेख किस गुफा में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा बी, उदयगिरी की गुफा में स्थित है। वीरसेन साव कौन था पता है आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था भाई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है, पढ़ पढ़ के तो आपको संसार की जानकारी पड़ेगी। नीचोगिरी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है, 81 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा उदयगिरी को नीचोगिरी भी बोला जाता है। ठीक है, नागौर सतना आपको पता होना चाहिए, अजयगढ़ पन्ना हो जाएगा और आपको दसपुर हो जाएगा मंसूर। ये सब पुराने नाम है, ये सब पुराने नामों की लिस्ट ऑलरेडी बुक में लिखी हुई है, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन है कि डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबीरवंश किस क्षेत्र से संबंधित है, हो जाएगा खानदेश से संबंधित। अभी थोड़ी देर पहले बता दिया तो फिर उसको बार बार बताने से कोई मतलब नहीं। वत्सभट्टी द्वारा संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था, वत्सभट्टी के द्वारा संस्कृत भाषा में। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मंसूर अभिलेख वत्सभट्टी का है, संस्कृत भाषा में है, गुप्त शासक से संबंधित है, गुप्त शासक में कौन है, तो वो हो जाएगा कुमार गुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब बोला जाता है तो उसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। वीडियो को लेट कर कभी मत देखना, लेट के वीडियो देखोगे ना तो फिर क्या है, वो सुन तो जरूर लोगे, ऐसा लगेगा तो कि मैंने वीडियो कंप्लीट कर लिया लेकिन याद कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो थोड़ा सा बैठ करके देखो, कम से कम ये घूमते हो देख लो, खड़े हो करके देख लो। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि 84 नंबर का है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से ताम्र उपकरण व झोपड़ी नुमा मिट्टी के घर के साक्ष्य प्राप्त हुए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। 84 राइट आंसर हो जाएगा नावदा टोली, अब भी थोड़ी देर पहले बताया कि नावदा टोली कहाँ पर स्थित है, तो ये खरगोन में हो जाएगा, खरगोन महेश्वर आपने नाम सुना ही होगा। इसका जो अपना जो जिसने मतलब उत्खनन किया है उसका नाम पता होना चाहिए, HD सांकलिया। ठीक है, HD सांकलिया याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और पिछले बार हमारे जो क्वेश्चन मतलब 52 से 55 क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो हल्के में लोगे तो हल्के में रह जाओगे। शासक जो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है पूछा गया, 85 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा देवपाल, अपने जो है चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है, पालवंश से संबंधित है, पालवंश। अच्छा, पालवंश को पूर्व का स्वामी किसने बोला है, उसका नाम बता दोगे, देखते हैं किसने पढ़ा और किसने कितना रिविजन किया उसके हिसाब से पता चलेगा। ठीक है, 86 नंबर का क्वेश्चन देख लो भाई कि सूची एक और सूची दो का मिलान करना है यहाँ पर। ठीक है, तो मिलान कर लो और यहाँ पे जो नाम बोल देता हूँ मैं, एक मिनट। तो इसका नाम देख लो, नावदा टोली, एरन, त्रिपुरी और गुर्जरा। ठीक, तो इसका बताओ क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, मतलब नावदा टोली किससे संबंधित हो जाएगा, ताम्र पाषाण काली संस्कृति से। ठीक है, एरन किससे संबंधित हो जाएगा, सती प्रथा आपको पता है, सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, भानुगुप्त संबंधित है आपको पता होना चाहिए।
ए त्रिपुरी के बारे में बात कर रहे हैं तो त्रिपुरी क्या हो जाएगा, सातवाहन एवं क्षत्रियों का सिक्के मिला, और गुर्जरा तो आपको पता ही है फिर अशोक के लघु शिलालेख मिला यहाँ से। नेक्स्ट है कि आगे बढ़ते हैं, मांडू का पुराना नाम क्या है। भाई मांडू का पुराना नाम सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा सादियाबाद। फिर यहाँ पे आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी, अगर आप बुक में देखना चाहेंगे प्राचीन नाम की तो वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे अनूप को बोला जाता है निमाड़, आपको पता है निमाड़, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है, मयूरवन, मयूरवन को बोला जाता है मुरैना, ठीक है मुरैना। नलपुर तो आपको पता ही होगा सभी को, शिवपुरी को बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिस्ट लंबी चौड़ी मिल जाएगी, बुक में उठा के देख लेना। किसका वास्तविक नाम बायजिद खान था, बायजिद, बायजिद खान किसका नाम था भाई, वो फेमस है और ये इंपॉर्टेंट भी। राइट आंसर हो जाएगा बाद बहादुर, रानी रूपमती से इनका संबंध था, संबंध क्या था मतलब प्रेम विवाह हुआ, और रानी रूपमती के लिए इन्होंने रेवा कुंड का नाम निर्माण करवाया, रूपमती महल का निर्माण भी करवाया। मांडू में आपको ये भी बता दिया गया है ऑलरेडी। और इन दोनों की समाधि कहाँ पर है, ये हो जाएगा राजगढ़ जिले के सारंगपुर में, सारंगपुर, सारंगपुर में, ठीक है याद रखना राजगढ़, ठीक है। नेक्स्ट है कि महान कलचुरी शासक कृष्णराज किस शासक से संबंधित है, किस शाखा से संबंधित है भाई कृष्णराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना महिष्मति शाखा, महिष्मति, जय महिष्मति, ये अपना बाहुबली वाली पिक्चर, ठीक 89। तो राइट आंसर कृष्णराज महिष्मति शाखा से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो एक तो शासक जो है वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं, तो सुनने की भी कोई आवश्यकता नहीं। सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है पूछा गया, सिहोनिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरैना में स्थित है भाई सिहोनिया, सिहोनिया, सीहोर मत लगा देना, सीहोर ऑप्शन देता तो कह लो सीहोर ही लगा देते, ठीक कोई बात नहीं। लेकिन ऐतिहासिक स्थापत्य कला, स्थापत्य स्थल ही आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है, राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारक है मध्य प्रदेश में लगभग 480 से 490 है, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक बार लिस्ट शायद ग्रुप में डाली हुई है टेलीग्राम में, बहुत पहले डाली थी और बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और शायद अगर आप उसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे, शायद उसमें अंडरलाइन भी किया हुआ है या टिक मार्क किया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, अब याद नहीं है। अब ये मत बोलिए कि सर फिर से रिसेंड कर दो, जाकर आप ही को सर्च करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मालवा में प्रथम मराठा सूबेदार किस नाम से जाने जाते थे पूछा गया, 91 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका मल्हारराव होलकर, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार मल्हारराव होलकर थे और उसी का संस्थापक था, किसका, होलकर वंश का संस्थापक था, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई हिंगलाजगढ़ का जो दुर्ग है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है पूछा गया है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा इस मंदसौर में हिंगलाजगढ़ दुर्ग, ठीक है प्राचीन दुर्ग है, काफ़ी अच्छा आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पे गुप्त काल से लेकर के अपने जो परमार काल था वहाँ तक की यहाँ पे मूर्तियाँ मिल जाती है। और आपने यहाँ पे सुना होगा हिंगलाज माता का मंदिर, वो भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। और जो प्राचीन मंदिर है हिंगलाज माता का, वो कहाँ पर है, भारत के बाहर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो कहाँ पर है भाई, वो है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आपको पता है जिसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो समय आ गया है अपने क्षेत्र वापस लेने का, ठीक है सपोर्ट कीजिए, खासकर राष्ट्रवाद के नाम पर तो आपको सपोर्ट करना ही चाहिए। जो क्षेत्र आपका है वो आप ही का होना चाहिए, जैसे कि कैलाश पर्वत है ये भी आप ही का होना चाहिए। बताइए आप सोचिए कि कैलाश पर्वत में आपको उसके दर्शन करने के लिए चीन से वीज़ा लेना पड़ रहा है, कितनी दुर्भाग्य की बात है, सोचिए आप लोग एक बार। नेपाल से भी आपको होते हुए जाना पड़ता है, लिपु लेकर नहीं थी आपको, दो तीन दर्रे जो है वहाँ से होते हुए निकलना पड़ता है, सोचिए आप लोग एक बार कभी बैठ कर। राजा चंड प्रदोत छठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म की ख्याति से अत्यंत प्रभावित और अत्यधिक उत्सुक थे तथा उन्हें बौद्ध धर्म का उपासक बनाने का श्रेय किस बौद्ध आचार्य को जाता है पूछा गया, राजा चंड प्रदोत। 93 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा थेर महाकात्यायन, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बहुत टफ जरूर है ये, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें अगर याद नहीं होती तो छोड़ ही दो, क्योंकि उसमें दिमाग पचाने का कोई मतलब नहीं है, उसको याद करने के चक्कर में चार जो सरल चीज़ जो याद हो सकती थी वो रिवाइज हो सकती थी, वो छोड़ते रहो आप लोग, थोड़ा सा दिमाग खुद का भी यूज़ करो, ठीक है। महाकौशल क्षेत्र में 18 मार्च 1923 को जबलपुर नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने को लेकर जबलपुर के झंडा सत्याग्रह की अगुवाई किसने की थी, 94 का राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको लेकिन, ठीक है, और उन सब के नाम तो आप याद रख नहीं सकते लेकिन कुछ कुछ के नाम तो याद रखना चाहिए, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान हो गए, नाथूराम मोदी जी हो गए, पंडित सुंदरलाल हो गए, तीन के नाम तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। 94-95 नंबर क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में परमारों की राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित कर दी गई थी, ठीक
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेरी सिंह दीति के समय जो अपनी राजधानी थी वो चेंज कर दी गई थी, और कृष्ण जो परमार वंश है उसकी संस्थापक कौन है, कृष्ण राज है, आपको पता होना चाहिए 945 ईस्वी, ठीक है, 945 ईस्वी में स्थापना हुई परमार वंश की, बैरी सिंह ने इसकी राजधानी परिवर्तित कर दी, ठीक है, और फिर राजा पूछते हैं इस वंश से संबंधित है ये आपको पता ही है, ठीक है। पूरा पाषाण कालीन निम्न स्थलों में किसका संबंध मध्य प्रदेश से है, मतलब पूरा पाषाण कालीन कौन सा स्थल है जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है, ठीक, कौन सा है भाई, 96 का राइट आंसर हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी, मतलब अग्नि लोनार कुंडाला, सुना है नाम ये कभी, नहीं सुना होगा तो फिर तो दिक्कत है। तो ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है, नव पाषाणकालीन स्थल है, इनकी लिस्ट बना लो, गूगल कर लो, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, कोई दोस्त भाई बहन किसी से बोल दो वही भेज देगा, जैसे पूरा पाषाणकालीन स्थल की तो लिस्ट मैं ही बोल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। तो यहाँ मिल रहा है अग्नि कुंडाला लोनार तो मिल ही रहा है, ठीक है, एक बाघ भी है, बाघ, एक विला है, विला, फिर दसान है, फिर चंबल है, ठीक, वेन गंगा, सोन, नर्मदा, बेतवा, ये सब नदी घाटियों से का जो संबंध है वो पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है, इसके अवशेष मिले यहाँ पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि अपना जो विदिशा के शासक कण्व को किसने हैं, कण्व को किस सातवाहन शासक ने पराजित किया, पूछा गया कण्व को, बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले तो बताया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, अभी तक तो देख लिया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमुक, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर ये देखते हैं कि प्रसिद्ध शासक हस्ती का संबंध किस राजवंश से, हस्ती इजी क्वेश्चन है, सभी को बताना चाहिए, परिवारजक वंश से संबंधित है, ठीक है, और इसका क्षेत्र, परिवारजक वंश का क्षेत्र कौन सा भाई, बुंदेलखंड है, ठीक है, बुंदेलखंड, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो आपको पता चल ही गया, तो इसी बात पर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, बिना लाइक करके नहीं जाएंगे। आगे बढ़ो कि मध्य प्रदेश के किस जिले से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई है, पूछा गया, 99 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दमोह से, ठीक है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली है, दमोह से, ठीक, और वो जो मुद्राएं हैं उनका नाम क्या है, तो नाम ये हो जाएगा समुद्रगुप्त के नाम से मिली है, कुछ चंद्रगुप्त के नाम से मिले, कुछ लोग स्कंदगुप्त के नाम से मिली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जबलपुर होमरूल लीग की स्थापना किसने की, जबलपुर होमरूल लीग की स्थापना, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1915 में, ठीक, जबलपुर में हुई होमरूल लीग की स्थापना, और इसका आपको उद्देश्य पता ही है कि भारत में स्वशासन की स्थापना के लिए की गई थी, और होमरूल लीग की स्थापना एक्चुअली में आपको पता है कि एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा की गई, तो दोनों के अलग अलग क्षेत्र हैं, उसमें कंफ्यूजन मत कर लेना, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके और कमेंट करके बताएंगे, उसके आधार पर शाम का वीडियो आएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो आएंगे, अगर अच्छे खासे कमेंट आते हैं और अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं तो अपन कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू करें, अन्यथा आपका भी समय बचाएंगे वीडियो नहीं डाल के और अपना भी समय बचा लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। Tell me that you love me, even if it's fake.